जय हिंद। नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ में अपडेट है कि 3000 सहकारिता विभाग में भर्ती की जाएगी, उसका अपडेट लेकर आए हैं। चलते हैं, ये वैकेंसी कब तक निकाली जाएगी, क्या कौन कौन से पद रहेंगे और कितने कितने पद रहेंगे और ये अपडेट कैसा है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे, अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। आपको यहाँ पर स्क्रीन में दिख रहा होगा, यहाँ पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, जिनके द्वारा अपडेट दिया गया है उनकी ऑफिशियल फेसबुक चैनल पर और न्यूज़पेपर में भी आया हुआ है। और जब बैठक हुआ सहकारिता विभाग का तो 3000 पदों पर भर्ती के लिए तैयारी के लिए अनुमति किए जा रहे हैं। इस पद को पहले ही सृजित किए जा चुके हैं, एक साल डेढ़ साल से पहले ही हमने आपको इसके बारे में अपडेट भी दिया था कि सहकारिता विभाग में 3000 पदों पर वैकेंसियां निकाली जाएगी। लेकिन सरकार इतनी सुस्त है, भूपेश बघेल सरकार अपनी काम में ही व्यस्त हैं, बेरोजगारों की सुध नहीं ले रहे हैं, नई नई वैकेंसियां नहीं निकाली जा रही है, हालांकि घोषणाएं जरूर कर रहे हैं। इसके संबंध में हमने पुलिस विभाग का भी बताया था कि पुलिस भर्ती कब होगी, आशीष साहू भाई द्वारा बहुत ज़्यादा कमेंट किए जा रहे हैं तो उसका भी थोड़ा सा अपडेट हम दे देते हैं। अभी तक फिलहाल नए पद को स्वीकृत बस किए गए हैं पुलिस विभाग में और भर्ती होगी, यही अपडेट रहता है। लेकिन भूपेश बघेल सरकार अभी सोया हुआ है, वो नए वैकेंसियां नहीं निकाल रही है। बेरोजगारों के संबंध में हल्ला बोल हड़ताल भी किए गए हैं, आपने देखा होगा जोरदार हड़ताल था, लेकिन छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार नई वैकेंसियां निकाल नहीं रही है। और पुलिस विभाग का अभी तक फिलहाल यही अपडेट है, नए पद स्वीकृत कर दिए गए हैं लेकिन उनका भी वैकेंसियां निकाल भर्ती प्रक्रिया चालू करना स्टार्ट ही नहीं हो पाया है। जैसे स्टार्ट होता है तो हम आपको अपडेट दे देंगे। यहाँ पर सहकारिता विभाग में यहाँ पर बताया गया कि 3000 पद रहेंगे और इसमें कितनी जो पद हैं वो तीन तरीके के रहेंगे, यहाँ पर बता दिया गया है, क्लियर करते हैं। आपको इसमें भी दिख रहा होगा स्क्रीन पर और पेपर कटिंग में भी दिया गया है। यहाँ पर 1700 पद समिति प्रबंधक के होंगे, ठीक है, 1700 पद समिति प्रबंधक के होंगे। और यहाँ पर बताया गया 2058 पद लिखा हुआ है सुपरवाइजर के होंगे, तो 1700 और 2000 ये तो ज़्यादा हो जा रहा है 3000 के, लेकिन इसमें ऐसे ही लिखा गया है, आप स्क्रीन पर देखेंगे। लेकिन हम कह सकते हैं कि 2058 पद सुपरवाइजर के और 1700 ये तो 4000 के लगभग हो जा रहा है। अब सही क्या कहते हैं मुख्यमंत्री, यहाँ पर लिखा हो कि संगवारी हो चांस आए सरकारी नौकरी के, सहकारिता विभाग में 3000 पद में भर्ती। लेकिन नीचे लिख दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं ये अलग हो सकता है, समिति प्रबंधक का अलग से 1700 पद वो भर्ती किए जाएं और जल्द होगा भर्ती प्रक्रिया शुरू। लेकिन भूपेश बघेल जब जल्द कहता है तो वो जल्द पता नहीं कितने दिन का रहता है, वो वैकेंसियाँ निकालते ही नहीं है। और जैसे कि शिक्षा कर्मी का बोला गया है कि 10000 हम निकालेंगे, लेकिन वो निकालेगा कब ये तो पता नहीं, लेकिन हालांकि जल्द जल्द ये वैकेंसियाँ निकाली जानी चाहिए और सरकारी नौकरी का ये एक और चांस रहेगा। इसमें लगभग 3000 पद रहेंगे, ऐसी अपडेट यहाँ पर आया हुआ है। और जब वैकेंसी निकाली जाती है तो हो सकता है ये वैकेंसी अलग अलग निकाला जाए, जैसे समिति प्रबंधक के अलग, सुपरवाइजर के अलग और जो और पोस्ट रहेंगे वो अलग अलग करके भी निकाले जा सकते हैं, या तो एक साथ भी निकाले जाए। एक साथ नहीं निकाले जाते हैं तो ज़्यादा बेनिफिट रहता है, और अलग अलग थोड़ा थोड़ा करके निकाले तो ठीक नहीं रहता है। तो बस आपको आज यही अपडेट देना था, आप अपनी तैयारी को करते रहें, पढ़ाई करते रहें और जय हिंद, मिलेंगे अगले वीडियो पर।